हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं आप ही की रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही क्रिस्प और शानदार वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th। तो अगर आप अभी क्लास 12th में हो, यानी कि 2024-25 सेशन में अगर आप क्लास 12th के एक स्टूडेंट हो, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। 12th की जर्नी 11th की जर्नी से काफ़ी अलग होती है। क्यों बोले तो 12th में आप 12th बोर्ड्स की तैयारी तो कर रहे होते ही हो, साथ ही साथ आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होते हो टू परस्यू हायर स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे 12th के बाद CUET का एग्जाम लिखते हैं टू गेट एडमिशन इन कॉलेजेस, बहुत से लोग NEET का एग्जाम देते हैं, बहुत से लोग JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग NDA की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि इस एक साल के दौरान आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस्ड भी होते हो और साथ साथ पैरेलली खुद को प्रिपेयर करते हो फॉर सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका यही मतलब हुआ कि इस एक साल में आपका बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस ईयर मे टर्न आउट टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर करियर। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जिसके हेल्प से आप अपने इस एक साल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। किस तरह स्टडी प्लान करोगे, किस तरह टाइम मैनेज करोगे, किस तरह इन सब चीज़ के बावजूद रिलैक्स्ड रहोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहो मेरे साथ अगले 15 से 20 मिनट तक। जैसा कि मैंने बताया कि 12th का जो ये साल है ये काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि इस समय आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं और साथ ही साथ कोई और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी आप कर रहे होते हो। अब यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग पार्ट काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मोस्ट ऑफ द, सारे में नहीं, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके 11th और 12th दोनों का पोर्शन आता है। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना 11th बर्बाद कर रखा होता है, उन्होंने 11th को सीरियसली नहीं लिया होता है, ऐसे बच्चे पड़ जाते हैं मुसीबत में। अब 12th की जो पढ़ाई है, 12th का जो सिलेबस है, वो तो स्कूल के साथ साथ आप पढ़ रहे होते हो, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा होता है, आप खुद से भी पढ़ रहे होते हो, लेकिन 11th का जो इतना सारा बैकलॉग है उसको कैसे ख़त्म करें। तो इस एक साल में आपको 12th की पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ वो जो 11th का बैकलॉग है, जो आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, या फिर अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है तो भी एक पूरे साल के अंदर आप वो चीज़ें भूल भी तो सकते हो। तो यानी कि 12th की पढ़ाई के साथ साथ आपको 11th को भी थोड़ा बहुत लेते हुए चलना पड़ेगा, ताकि आप 12th के बोर्ड्स के साथ साथ उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी रेडी हो सको। करेक्ट। तो ये आ जाता है सबसे बड़ा चैलेंज। तो इस तरीके से हमारा जो ये 12th का जो ये एक साल है, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्टेप बाई स्टेप स्ट्रैटेजी, जिससे हम अपने 12th के सिलेबस को भी टाइम से ख़त्म कर सकते हैं, सफिशियंट टाइम रिविजन के लिए रख सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने 11th के पोर्शन को भी पैरेलली रिवाइज करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पेन पेपर लेके तैयार रहो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस स्ट्रैटेजी के उनको नोट करते रहो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने स्टडी टेबल के पास या अपने रूम पे या फिर जहां पर भी आपको कन्वीनियंट लगे वहां पर इसको लगा के रखो, ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग से निकल ना पाए। अगर शुरुआत के 1-2 महीने आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ाई कर लोगे, देन ट्रस्ट में उसके बाद ये आपके हैबिट में आ जाएगी, उसके बाद आप एनीवेज ट्रैक पर ही रहोगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं, क्योंकि आज का हमारा गोल क्या है, इस साल की पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को हम बनाएंगे आज क्रिस्टल क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों, किसी भी स्ट्रैटेजी को सही होने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी का सही होना काफी नहीं है, द राइट स्ट्रैटेजी एट द राइट टाइम, मतलब उस सही स्ट्रैटेजी को सही टाइम पर इंप्लीमेंट करना है, वरना उसका कोई फायदा नहीं है। राइट, तो इसीलिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सही टाइम क्या है। जैसे ही आपके क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स खत्म होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उसी दिन से 12th की तैयारी शुरू कर दो, बट 11th के फाइनल एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप लोग 5 दिन का ब्रेक टू रिज्यूविनेट, टू रिलैक्स, टू रिफ्रेश योर माइंड, टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली,
और ये 5 दिन का एक मस्त ब्रेक लो, जिसमें आप पढ़ाई के बारे में सोचो भी मत, कुछ कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन इन 5 दिनों के बाद क्या क्लिक करोगे? आप क्लिक करोगे रीस्टार्ट का बटन। एग्जैक्टली 5 दिनों के बाद आप वापस से फॉर्म में आओगे, वापस से अपनी तैयारी शुरू करोगे। तो विथ दैट लॉजिक अब तक आई गेस आप लोग शुरू कर चुके होगे अपने 12th की तैयारी, शुरुआत के फेज़ में ही होगे। बहुत से बच्चे हो सकता है अभी इस वाले फेज़ में हैं कि यार यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, हो सकता है, दैट्स फाइन। बट मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। और अगर आपने शुरू नहीं किया है तो फिर से बताती हूँ बच्चों, ज़्यादा डीले करने का स्कोप नहीं है। 10th अप्रैल को रखो अपना डेडलाइन। 10th अप्रैल के अंदर आप लोगों को 12th की इस जर्नी को शुरू कर देनी है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा डीले अगर आप कर दोगे फिर शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, राइट? अब जैसे देखो, मैं टाइम पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा मैम 11th के फाइनल एग्जाम्स के बाद सिर्फ 5 दिन का ब्रेक। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, इसमें भी स्टार मार्क है। अगर तो आपने अपने 11th में बहुत आप सीरियस रहे हो, पूरा आपका 11th का कॉन्सेप्ट एकदम सुपर स्ट्रांग है, आप एकदम रेडी हो 11th को लेकर के, उस केस में तो हो सकता है कि आप थोड़े से और ज़्यादा दिन का ब्रेक लेना अफोर्ड कर सकते हो। बट अगर आपने 11th को भी अच्छे से यूज़ नहीं किया है, यानी कि 11th में भी अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और अगर 12th में आप चाहते हो कि आप बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो, अगर आप चाहते हो कि आप जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे 12th के बाद उनको आप क्रैक कर पाओ, तो उसके लिए तो भाई कंपटीशन है, उसके लिए तो आप इससे ज्यादा टाइम लगाना नहीं अफोर्ड कर पाओगे, राइट? उसके लिए यू विल हैव टू स्टार्ट अर्ली। तो 5 दिन का ब्रेक शुड बी एनफ एंड देन गेट स्टार्टेड, है ना? तो अब शायद आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये एक साल लगता है ना बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर जाने वाला है, जिसमें हम बिल्कुल स्ट्रेस वाले माहौल में सिर्फ पढ़ रहे होंगे, हर दिन 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ रहे और कुछ नहीं कर रहे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जो आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने वाली हूँ वो स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ एक ही चीज़ में मदद करेगा, एंड दैट इज़ टू स्टे ऑन ट्रैक थ्रू आउट द ईयर। सो बेसिकली वी विल लीड अ बैलेंस्ड लाइफ, और दैट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। क्योंकि जब हम अपने दिमाग को रिफ्रेश होने का ऑप्शन देते हैं, रिलैक्स होने का ऑप्शन देते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तभी हमारा जो दिमाग है ना वो काम भी ज़्यादा करता है, हमारा दिमाग रिटेन भी ज़्यादा करता है, राइट? तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट स्ट्रैटेजी विल डेफिनेटली बी टाइम बाउंड, क्योंकि सही टाइम इज़ अ वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ अ गुड स्ट्रैटेजी। बट एट द सेम टाइम वो ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं और आप बिल्कुल किताबों में घुसे पड़े हो, ठीक है? ये इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ग्रेट। तो इसका मतलब अभी हमारा सबसे पहले शुरुआत में हमारा क्या था इंपॉर्टेंट? स्टार्ट टाइम, कब से हम 12th की तैयारी शुरू करेंगे। आइडियली अब तक आपने शुरू कर दी होगी, आपको कर देनी चाहिए बाय नाउ। अगर आपने शुरू नहीं की है, 10th अप्रैल को अपना डेडलाइन लेके चलो, 10th अप्रैल तक में आपको इस जर्नी पे उतर आना है, और इस जर्नी को हम सबको साथ में एंजॉय भी करना है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हमारी सही स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो हमारी सही स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि जब हम तैयारी शुरू करेंगे, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी ना चैप्टर फोकस्ड होगी, मतलब एक एक करके हम चैप्टर्स खत्म करते चलेंगे, ठीक है? 12th के चैप्टर्स ऑफकोर्स, इनफैक्ट पैरेलली 11th के चैप्टर्स भी, देखो मैं बताती चलूंगी आपको, नॉट टू वरी। तो हमारा बिल्कुल चैप्टर फोकस रहेगा, एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर की तैयारी करेंगे पूरा इन डेप्थ, मतलब उस चैप्टर को हम बोर्ड लेवल पे भी तैयार करेंगे, उस चैप्टर को हम कॉम्पिटिशन के लेवल पे भी तैयार करेंगे, और ऐसे करते 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 चैप्टर बाई चैप्टर जो है हम पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ठीक है? ये है हमारे स्ट्रैटेजी का ढांचा, ठीक है? ढांचा समझते हो ना, मतलब आउटलाइन समझ लो एक तरीके से, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में आप हफ्ते के जो 7 दिन हैं, अच्छा इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि भाई अब हमको 7ों दिन पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि संडे का छुट्टी है तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, बट ऑफकोर्स सैटरडे संडे चूंकि अगर आपकी स्कूल नहीं होती है तो उस केस में यू नो इट विल बी रिलेटिवली अ लाइटर डे। तो शाम के टाइम आप बाहर निकल सकते हो, या फिर सुबह के टाइम आप बाहर निकल सकते हो, एंड यू नो यू कैन हैव सम फन टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है? तो देखो, ये जो 12th की आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी ना, उसमें आप क्या करोगे, आप मंडे से लेके सैटरडे को लोगे फॉर योर 12th की तैयारी, संडे को आप छोड़ दोगे अभी के लिए,
छोड़ दोगे मतलब आपकी छुट्टी नहीं है। संडे को आपको क्या करना है वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बट संडे को अभी के लिए आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको क्या करना है, आपको अपने ट्वेल्थ की तैयारी करनी है। ट्वेल्थ की तैयारी कैसे करनी है, चैप्टर बाय चैप्टर करनी है। अब हर चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है, हर चैप्टर को आपको दो लेवल पे तैयार करना है, बेसिक लेवल एंड एडवांस्ड लेवल, ठीक है। अब ये लेवल्स क्या होते हैं, बेसिक लेवल तैयारी मतलब किसी भी चैप्टर को जब आप बोर्ड लेवल पे रेडी करते हो दैट इज़ योर बेसिक लेवल प्रिपरेशन, उसी चैप्टर को जब आप कॉम्पिटिशन के लेवल पर तैयार करते हो दैट इज़ योर एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो बेसिक लेवल ऑफ तैयारी में आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में, सबसे पहला स्टेप है वॉच वन शॉट वीडियोस ऑन लर्नो हब, ठीक है। जो वन शॉट वीडियोस मैंने बनाए हैं उन वन शॉट वीडियोस को पूरा देखो पूरा, ठीक है। बहुत से बच्चे अलग अलग तरह के फीडबैक देते हैं वन शॉट वीडियोस के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले ये बहुत यूजफुल होते हैं, कि नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको देखना है, आप देखो मुझे दिक्कत नहीं है, बट इन वीडियोस का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब आप उस चैप्टर को पहली बार शुरू कर रहे हो तब आप इस वीडियो को देखो। ये वीडियो रिविजन के लिए नहीं है, ये वीडियोज़ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। शुरुआत में आप ये चीज़ खुद ट्राई करके देखो, जब भी आप कोई एक नया चैप्टर उठा रहे हो, शुरू कर रहे हो, कहीं पर भी, चाहे आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो, आप स्कूल के टीचर से पढ़ते हो, जो भी आप करते हो, जब आप वो चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार आप पढ़ने वाले हो, आप वन शॉट वीडियो को पूरा देखो उस चैप्टर का। उसके बाद यू सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ। उसके बाद चाहे आप एनसीईआरटी की किताब उठाओगे, चाहे आप ट्यूशन के क्लास में बैठे रहोगे, कोचिंग में बैठोगे, कहीं पर भी बैठोगे, यू विल सी दैट अब आपको सब कुछ जो है ना एकदम और आसानी से समझ में आ रहा है, सब कुछ आपके लिए बहुत इजी हो गया है, बिकॉज आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस पूरे लेसन की बहुत तगड़ी हो गई है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर की आप तैयारी स्टार्ट करोगे, सबसे पहले देखोगे वन शॉट वीडियो, वो भी पूरा। उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी से गो थ्रू करोगे। अब पूरा वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी को गो थ्रू करना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, इट विल जस्ट टेक यू नो कपल ऑफ मिनट्स टू फ्यू आवर्स, राइट, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो फटाफट से एनसीईआरटी से गो थ्रू करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एनसीईआरटी के पीछे के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करोगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे जो है ना एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, इनफैक्ट इग्नोर भी करते हैं ये बोल के, अरे अच्छी किताब नहीं है, बट वो आपकी बेस बुक है, वो आपका सिलेबस डिफाइन करती है, तो इसलिए उस बुक को आप पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लेने के बाद आप क्या करोगे, अगर आपको लाइव क्लासेस के एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि चाहिए होता है, बिकॉज जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो एज्यूमिंग, क्योंकि देखो मैं सभी तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, वैसे बच्चे जो कोचिंग जा रहे हैं, वैसे बच्चे जो ट्यूशन जा रहे हैं, वैसे बच्चे जो कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी ट्वेल्थ की अपनी इस जर्नी को उतनी ही अमेजिंग बना सकते हैं हमारे साथ, राइट। तो ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, और मैंने इंश्योर किया है कि वो सारी चीज़ें लर्नो हब पे हो, तभी तो ये पूरा एंड टू एंड तैयारी हुआ ना आपके लिए, है कि नहीं। तो चलो अब ये जो चौथा स्टेप है हमारे बेसिक लेवल प्रिपरेशन का, वो है टू अटेंड द लाइव क्लासेस। जैसे हम लोग इस साल जो है लर्नो हब के यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव बैचेस रन करेंगे, राइट, जैसे क्लास 11th के बच्चों के लिए चलेगा लर्नो हब परम बैच, क्लास 12th के बच्चों के लिए चलेगा लर्नो हब अनंत बैच। तो आपको ये अनंत बैच की जो क्लासेस चलेंगी उनको भी आपको पैरेलली अटेंड करते रहना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके लिए वो रिविजन होता रहेगा, क्योंकि वन शॉट आपने देख रखा है, एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, साथ ही साथ अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप उन लाइव क्लासेस में टीचर से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब इन चारों स्टेप को कुल मिला के क्या हो जाएगा, आपका बेसिक तैयारी हो जाएगा किसी भी चैप्टर का। बट हम बेसिक तैयारी से खुश नहीं हैं, हमें तो एडवांस लेवल पे भी तैयार करना है उस चैप्टर को। तो अब एडवांस लेवल पे तैयार आप कैसे करोगे, एडवांस लेवल की तैयारी में अब आप क्या करोगे, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाओगे उस सब्जेक्ट का, और उस रेफरेंस बुक से एडिशनल टॉपिक्स पढ़ोगे, क्योंकि बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, या जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं होते हैं, राइट। तो बेसिकली आप उन एडिशनल टॉपिक्स को कवर करोगे, और साथ ही साथ वो जो आपका जो रेफरेंस बुक है उससे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बट प्लीज़ एंश्योर, जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, डू नॉट फॉलो मल्टीपल रेफरेंस बुक, हर सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक काफ़ी है, ठीक है, ओके। अब आपने रेफरेंस बुक के क्वेश्चन किए, अब आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए,
बेस्ड ऑन कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब अगर ट्वेल्थ के बाद आपको नीट देना है तो आपकी तैयारी नीट के हिसाब से होनी चाहिए, जेई देना है तो जेई के हिसाब से, जो भी देना है एनडीए देना है तो एनडीए के हिसाब से, राइट। तो जो भी एग्ज़ाम की आप पैरेलली तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। बोलने का मतलब है उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं उस चैप्टर से। अमेजिंग, राइट। इससे क्या होगा, आपको ये भी आइडिया लगता रहेगा उस चैप्टर में कि भाई जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका भी आइडिया लगना हमको ज़रूरी है कि नहीं, या फिर वो वाले क्वेश्चंस में कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, राइट। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमको शुरुआत से रहेगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि वो चैप्टर एग्जैक्टली कितना इंपॉर्टेंट है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो अब जैसे मान लो अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो तो इनका मटेरियल तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, लर्नो हब नीट पे जीत की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, लर्नो हब जेई पे जीत की पूरी सीरीज़ बनी हुई है। इनफैक्ट हमने भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोज़ बना रखे हैं, तो अगर आप इन वीडियोज़ को देख लो तो ही आपके हर चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में आपको एक रेफरेंस बुक और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें मेनली करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर चैप्टर की बेसिक और एडवांस लेवल की तैयारी करते चलोगे। जब आप ये तैयारी करना शुरू करते हो व्हाइल यू आर एट चैप्टर वन, तभी से ही आप अपनी एक हैबिट बनाओगे, दैट इज़ नोट्स मेकिंग की हैबिट। लेकिन ये जो नोट्स मेकिंग मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ ये बाकी नोट्स मेकिंग से थोड़ी अलग है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप अपने नोट्स बनाते जाओ अपनी हैंड राइटिंग में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसा सजेशन नहीं देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर पूरी पूरी नोट्स बनानी है इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट शॉर्टकट्स में बनाओ, जहां पर भी आपको लगता है कि बुक में अंडरलाइन करना ही काफ़ी है बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहां पर आपको लगता है कि काम करते इस चैप्टर के ना फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लेते हैं तो उस चैप्टर के फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स को खाली लिखते चलो। वो लिखते रहने से भी क्या होता है, कभी बाद में आपको रिवाइज़ करना है फ्री टाइम में तो उसको उठाया वो टॉपिक बाई टॉपिक अपने दिमाग में रिकॉल किया कि आपको चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं, राइट। तो इस तरीके से ना आप अपने हिसाब से शॉर्टकट में नोट्स बनाने की आदत डालो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब जैसे चैप्टर का हेडिंग डाला उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर लिए, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स नोट कर लिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो बुक में अंडरलाइन कर लिए। ताकि बेसिकली हम क्यों बनाते हैं ये नोट्स, ताकि जब हमको रिविजन करना हो उस चैप्टर का तो हम बहुत कम टाइम में, मे बी 20% ऑफ द टाइम में ही हम उस पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लें, है ना। या फिर जो वाला पोर्शन आपको लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का, वहाँ पर IMP इंपॉर्टेंट लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से शॉर्टकट में नोट्स बनाते चलो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी वो तो समझ में आ गई, बट दिस स्ट्रैटेजी बच्चों हैज़ टू बी टाइम बाउंड। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रैटेजी तो सही है, मस्त है, सुन के अच्छा लग रहा है कि हाँ एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे बहुत मज़ा आएगा और एकदम तगड़ी तैयारी होगी, लेकिन ये जो तैयारी है ना ये टाइमली होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को हम 4 महीने में ख़त्म कर रहे हैं, इतना हम उस चैप्टर में इन डेप्थ घुस गए हैं, चलेगा नहीं, राइट। क्योंकि हमारे पास तो 1 साल का ही टाइम है, राइट, जिसके अंदर हमको बोर्ड्स भी देना है और जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी देना है, है ना। ओके, तो हमारा जो ये तैयारी है ये टाइम बाउंड होना है, मतलब एक चैप्टर को लगभग कितने टाइम में ख़त्म कर लेना है दैट हैज़ टू बी प्री डिफाइंड। पहले से पता होना चाहिए कि भाई एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए मेरे पास इतना ही टाइम है, राइट। अब देखो ट्वेल्थ में है इसीलिए हमें हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस को वेल अहेड ऑफ टाइम ख़त्म करना होगा। क्यों? क्योंकि इस बार ही हमको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितना हम रिवाइज करते हैं ना उतना वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाते हैं, राइट। तो रिवीजन जितनी बार होगी उतना अच्छा है, जितनी बार मतलब एटलीस्ट एक कंप्लीट राउंड ऑफ रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विथ दैट लॉजिक इन माइंड हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि जिस टाइम पर हमारा एग्ज़ाम है हमारा सिलेबस उससे कम से कम 6 to 8 weeks पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अब चाहे हमारा एग्ज़ाम एक ही बार हो बोर्ड एग्ज़ाम जैसा पिछले साल हुआ, चाहे हमारा एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्मेट में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हमारे ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम हो, बट एग्ज़ाम के 6 to 8 weeks पहले उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। ताकि वो जो बचे हुए 6 to 8 weeks है उसमें हम रिवीजन कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब
इस लॉजिक के साथ अगर आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी शुरुआत से फॉलो करो कि हमें दो चैप्टर खत्म करना है इन वन वीक में हमें दो चैप्टर खत्म करना है, हर सब्जेक्ट के दो चैप्टर नहीं, टोटल दो चैप्टर, क्योंकि कुल मिला के अगर आप देखो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेस्ड ऑन आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं लगभग 15-15 चैप्टर होते हैं सिलेबस में, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इन ईच सब्जेक्ट, तो कुल मिला के आपके पास लगभग 45 चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास PCM है या फिर PCB है, इन केस जिन बच्चों के पास PCMB है उनके पास लगभग 60 चैप्टर्स होंगे ख़त्म करने के लिए, राइट तो अगर आप उस कैलकुलेशन से चलो ना कि मुझे वो 45 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, तो अगर आप दो दो चैप्टर एक वीक में टारगेट लेके चलो, अब कभी कभी हो सकता है कि दो चैप्टर ख़त्म ना हो क्योंकि कभी कभी कुछ चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं तो शायद एक वीक में एक ही चैप्टर हो पाए, बट स्टिल यू विल रियलाइज़ कि आप जो है आप ऑन ट्रैक हो। अब ये कौन से वाले चैप्टर्स होंगे, मिक्स एंड मैच करके, फॉर एग्जाम्पल पहले वीक में आप फिजिक्स का चैप्टर वन और केमिस्ट्री का चैप्टर वन करो, अगले वीक में आप फिजिक्स का चैप्टर टू और मैथ्स का चैप्टर वन करो, उसके अगले वीक में आप फिजिक्स का चैप्टर थ्री और केमिस्ट्री का चैप्टर टू करो, तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करते हुए आप तीनों या चारों सब्जेक्ट को पैरेलली लेते हुए आगे बढ़ोगे, बट आपका गोल सिर्फ ये रहेगा वीक बाय वीक कि मुझे इस वीक के एंड तक दो चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। अब ये दो चैप्टर्स किसी भी दो डिफरेंट सब्जेक्ट से हो सकते हैं, ठीक है, हम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए चलेंगे। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए, अब ख़त्म करने का मतलब है क्या ख़त्म करना है, उस चैप्टर के बेसिक लेवल और एडवांस लेवल की तैयारी, दोनों तैयारी ख़त्म करनी है, राइट अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कर ही सकते हो कि मैम आप कह तो दे रहे हो कि एक हफ्ते में दो चैप्टर्स ख़त्म करना है, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारा अच्छा खासा टाइम तो स्कूल में चला जाता है, स्कूल के बाद हम ट्यूशंस भी जाते हैं या कोचिंग भी जाते हैं, तो मतलब क्या ये ख़त्म हो पाएगा। एंड एग्जैक्टली दैट इज़ वेयर लाइज अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट वहीं पे लाई करता है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी नॉट जस्ट एग्ज़ाम, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद एफर्ट डालना पड़ता है, और खुद एफर्ट डालने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास टाइम होना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है विद कोचिंग सेंटर्स एंड ट्यूशंस कि आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं है, देन ट्रस्ट मी इट मे नॉट वर्क आउट, क्योंकि सेल्फ स्टडी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। तो इंश्योर करो कि आप अपना टाइम टेबल चाहे जैसा भी बनाओ उसमें सेल्फ स्टडी का टाइम हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपने स्कूल वाली बात करी विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि हाँ यार जब स्कूल्स चालू रहते हैं तो काफ़ी सारा टाइम स्कूल में चला जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ट्वेल्थ की तैयारी आप कब से स्टार्ट करोगे, 11th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5 दिन के बाद से, राइट अगर तब से स्टार्ट नहीं भी किया है तो अब से कर दो स्टार्ट। अब से जो स्टार्ट करोगे आपके लिए तैयारी आप डेली करोगे, जब आप डेली करोगे तो बीच बीच में कभी आप 2-3 दिन छुट्टियों में भी जा सकते हो, फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हो, उस तरह के छोटे मोटे ब्रेक्स आप लेते रहोगे बीच बीच में, बट तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि कभी स्कूल में समर वेकेशन रहेगा 15 दिन का 20 दिन का, सब स्कूल में अलग अलग होते हैं, राइट तो या फिर स्कूल में अगर एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं तो उस समय स्कूल में उतना लंबा ड्यूरेशन ही होता है स्कूल का, राइट आप जल्दी फ्री हो जाते हो, तो आपको बेसिकली हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ स्कूल। उससे क्या होगा, स्कूल में कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले आपने पढ़ रखा होगा, तो जब स्कूल में टीचर वो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो आपके लिए दैट विल बी एन एक्सेलेंट वे टू रिवाइज द चैप्टर, क्योंकि आपने तो चीज़ें पढ़ रखी है, अब जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है आपके लिए वो रिविजन हो रहा है, राइट साथ ही साथ अगर टीचर उस समय कुछ पूछ रहा है तो आई एम श्योर दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन एज वेल, है ना। तो इस तरीके से आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करूँ, डजेंट मैटर स्कूल में ये चैप्टर हुआ है या नहीं हुआ है, मैं अपने पेस में हर वीक दो चैप्टर ख़त्म करने के टारगेट से अपना पढ़ाई करता रहूँगा। तो उससे क्या होगा कि यू विल रियलाइज इट फॉर योरसेल्फ कि स्कूल के दिवाली ब्रेक, दशहरा ब्रेक, बाकी जो भी छुट्टियाँ होती हैं उसमें भी चूंकि आपकी गाड़ी तो आगे बढ़ती चली जा रही है तो यू विल एनीवेज स्टे अहेड ऑफ स्कूल। अब बच्चों लेट अस टेक अ पॉज एंड थिंक कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो आपकी जो 12th की जो तैयारी का जो टाइम है वो आपका मंडे टू सैटरडे है,
संडे को आप खाली रखोगे, ऐसा मैंने बोला था कुछ देर पहले इसी वीडियो में, है ना। अब संडे को आप क्या करोगे इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो संडे को हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पोर्शन होता है, जो सिलेबस होता है, दैट इज़ 11th प्लस 12th। तो जब आप 12th में हो तो 12th की पढ़ाई में तो आप बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हो, बट 11th का की जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं उनका क्या, तो उनको हम रिवाइज़ करते रहेंगे एवरी संडे। तो संडेज़ जो हैं वो हमारे 11th के लिए ब्लॉक्ड रहेंगे। अच्छा, साथ ही ये बात भी बता दूं कि जिन जो बच्चे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं जहां पर सिर्फ 12th का पोर्शन आता है, वो लोग संडे के इस दिन को भी अपने 12th के ही पढ़े हुए चैप्टर्स को रिवाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं जहां पर 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे तैयारी करोगे। अब आप बोलोगे कि मैम संडे सिर्फ एक दिन में हम कितना ही पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हो, अच्छा खासा पढ़ सकते हो। देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, अगर आप रिलीजियसली हर संडे को 11th के एक चैप्टर के लिए डिवोट करो, 11th का एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ्स का हो, क्योंकि एनीवेज अब आपको 11th का तो आप तीन ही सब्जेक्ट रिवाइज़ करोगे, राइट। क्योंकि जनरली अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आप 11th के मैथ्स को तो रिवाइज़ करोगे नहीं, सिमिलरली अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आप 11th के बायो को तो रिवाइज़ करोगे नहीं, है ना। तो आप लगभग तीन सब्जेक्ट से रिवाइज़ करोगे। आप उन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा लो और उस एक चैप्टर को उस एक दिन में रिवाइज़ करो। अगर आपने 11th को में अच्छे से पढ़ रखा था तो आपको रिवाइज़ करने में भी टाइम थोड़ा कम लगेगा कंपैरेटिवली। अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था तो उस एक दिन में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा उस चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अब अच्छे से अगर आप कैलकुलेट करो, इस अप्रैल से अप्रैल 2024 से लेकर के अगर हम लगभग अगले साल के मार्च तक का टाइम देखते हैं तो हमारे पास कितना टाइम होता है, हमारे पास लगभग एक पूरा साल होता है, राइट। क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये कुछ एग्जाम्स अप्रैल में होते हैं, कुछ मई में होते हैं, राइट। तो हमारे पास उधर भी थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें। तो अगर हम सिर्फ ये संडे की बात करें, मतलब बेसिकली अभी मैं बात कर रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम तक का, तब तक की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग 45 संडेज तो ज़रूर से होते हैं। 45 संडेज मतलब 45 11th के चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हो। 11th में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देख लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख लो तो आपके पास टोटल ही लगभग होते हैं 45 to 48 चैप्टर्स, राइट। और उसमें भी ये जो रिवीजन है ना, ये आप स्ट्रैटेजिकली करोगे, ऐसा नहीं कि 11th के चैप्टर 1 से आपने रिवाइज स्टार्ट किया। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के, उनसे रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, राइट। मतलब जैसे मान लो 11th के अगर मैं बायो की बात करूँ, 11th बायो का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इट मे नॉट कैरी सो मच ऑफ वेटेज इन योर नीट एग्जाम, तो उस चैप्टर को मैं पहले रिवाइज नहीं करूँगी, मैं उन चैप्टर्स को पहले रिवाइज करूँगी जो नीट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से बच्चों को ये चैलेंज आ सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो 11th की तैयारी के दौरान आप एक सीरियस लर्नर रहे थे, जिन्होंने PYQs भी किए थे, तो उनको तो आइडिया होगा कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, उनकी सहूलियत के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के अंदर हमने प्रायोरिटी वाइज बता रखा है कि 11th में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली PCMB के लिए जो JEE और नीट एस्पिरेंट है उनके लिए हमने बता रखा है कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्रायोरिटी वाइज हमने चैप्टर्स को लिस्ट डाउन कर रखी है ताकि जब आप ये 11th के चैप्टर्स रिवाइज करना शुरू करो तो आप उसी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपकी जो मतलब ये जो पूरी प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग ऐसी है कि आपको एकदम आपने एक सेट कर रखा है कि भाई इन 6 दिनों में 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, मंडे से सैटरडे में, उसी तरह से संडे में 1 चैप्टर ख़त्म करना है। अब देखो ये जो मैंने बोला है ना 2 चैप्टर्स अ वीक, ये हो सकता है बहुत बार आप अचीव ना भी कर पाओ। जब मान लो कि मंडे से सैटरडे डेली आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के साथ साथ 2 पूरे चैप्टर्स ख़त्म करना कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होगा, क्योंकि कई चैप्टर्स बहुत लेंथी होंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वैसे सिचुएशन में आप पूरे वीक में एक ही चैप्टर ख़त्म करो, बट देन अगेन यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस अ वीक जहाँ पर आप शायद स्कूल कम जा रहे हो, स्कूल में किसी चीज़ की छुट्टी है, तो वहाँ पर शायद यू विल बी एबल टू कवर इट अप, ठीक है ना। बट अब आप अपना ऐसा ही एक टारगेट लेके एटलीस्ट शुरुआत तो करो, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इतने लेंदी नहीं होते हैं।
जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो वैसे चैप्टर्स में आपको एनी वेज टाइम थोड़ा कम लगेगा, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट होती जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और बार मैं इसी बात को दोहराऊंगी कि आप इस साल को कितने अच्छे से यूज़ कर पाओगे, आप आगे जाके अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स कितने अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे डिपेंड करेंगी आपके सेल्फ स्टडी पे। और बिल्कुल भी अपने मन में कोई डाउट मत रखना, कोई ऐसी हेजिटेशन मत रखना कि भाई मैं कोई अच्छे कोचिंग में नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, मैं किसी ट्यूशन में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिवली मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अगर ऐसा कुछ भी है तो भी मैं बार बार कह रही हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, अगर आप लर्नो अप के साथ भी तैयारी करोगे, आप बोर्ड्स में भी अच्छा करोगे और आप एंट्रेंस एग्जाम्स भी क्लियर कर पाओगे। अभी मैं आपको एक जिस्ट में बताती हूँ कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए इस साल, वो सारी चीज़ें लर्नो हब पर है। सबसे पहले लर्नो हब के वन शॉट वीडियोस, जिनका देखना आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करेंगे। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने बना रखे हैं, आपकी जो नई रिवाइज्ड एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, तो कहीं पर भी आप फंसते हो तो आप इन वीडियोज़ का हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा हमने पूरी की पूरी PYQ सीरीज बना रखी है। जैसे अगर नीट की बात करें तो नीट पे जीत सीरीज़ के अंदर हमने हर चैप्टर के सारे PYQs कवर कर रखे हैं। सिमिलरली JEE पे जीत सीरीज़ के अंदर हमने सारे चैप्टर के JEE के PYQs कवर कर रखे हैं। सिमिलरली ट्वेल्थ बोर्ड्स के बच्चों के लिए हमने 2017 ऑनवर्ड्स हर साल के PYQ जितने भी अलग अलग डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो PYQs की कोई कमी नहीं है, सारे PYQs यहां पर हमारे पास वीडियो फॉर्मेट में है, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट या ऐप पर भी आपको PYQs का सेक्शन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको सैंपल पेपर्स ट्राई करना हो तो वो भी हमारे वेबसाइट या ऐप पर आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स रिवाइज करना हो वो भी हमारे वेबसाइट या ऐप पर आपको मिल जाएगा। अगर आपके डाउट्स हैं और आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो वो भी आप कर सकते हो हमारे वेबसाइट या ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। और ये सारी चीजें जो भी मैं अभी तक बताती जा रही हूं, दीज आर ऑल एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनफैक्ट जिन बच्चों को लगता है कि नहीं, मुझे पूरे साल की तैयारी के लिए लाइव क्लासेस चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वैसे बच्चों के लिए अनंत बैच है लर्नो हब यूट्यूब चैनल पर, जो कि हर दिन आपके ट्वेल्थ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के ऑल्टरनेटली क्लासेस होते रहेंगे। तो आप अनंत बैच की क्लासेस अटेंड कर सकते हो एंड दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ना सारी चीज़ें हैं जो भी आपको ट्वेल्थ की तैयारी के लिए चाहिए, जो भी आपको नीट या JEE की तैयारी के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। और ये जो लाइव क्लासेस होंगी, इसमें बीच बीच में हम मॉक टेस्ट्स भी करते रहेंगे ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट भी करते रह सको, राइट। तो आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो और आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंटली अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसे लग रहा है कि मैं कोई कोचिंग ट्यूशन तो नहीं जाता हूँ, बट आई फील कभी कभार मुझे बिल्कुल वन ऑन वन हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ देखने के बाद भी मेरे कुछ डाउट्स रह जाते हैं जो मैं फ़ेस टू फेस टीचर के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, तो वैसे केसेस में आप लर्नो हब स्वयं पर वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड क्लासेस बुक कर सकते हो अपने पसंदीदा टीचर के साथ। दीज क्लासेस आर नॉट फ्री ऑफकोर्स, क्योंकि ये वन ऑन वन क्लासेस हैं तो ऑब्वियसली देर इज़ अ हाई कॉस्ट विच वी हैव टू इनकर एट आवर एंड। तो ये पेड क्लासेस हैं, बट ये आप तभी बुक करो अगर आपको लगता है कि यू नो यू रियली नीड अ वन ऑन वन सपोर्ट, राइट। बहुत से बच्चों के साथ एक और चैलेंज आता है और वो चैलेंज ये है कि हम ये सारी स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत तो करते हैं बट हम ट्रैक पे रह नहीं पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भटक जाता हूँ ट्रैक से कुछ टाइम के बाद, राइट, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा टिप है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप वीक में एक वन ऑन वन स्वयं क्लास बुक कर सकते हो। एक स्वयं क्लास विल कॉस्ट यू 280 रुपीज़, दैट्स इट। तो अगर आप चाहो, अगर आपकी वो अफोर्डेबिलिटी है, तो आप एक स्वयं क्लास वीक में बुक कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टीचर के साथ जिनके साथ आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, या फिर उस वीक में आपने जो दो चैप्टर्स ख़त्म किए हैं उसी में से किसी एक चैप्टर की आप एक स्वयं क्लास बुक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि भाई हर वीक जो है ना मेरी टीचर के साथ एक वन ऑन वन क्लास होती है, तो आपके लिए वो जो है ना एक आप कह सकते हो एक मापदंड हो जाएगा कि ये क्लास है, उस क्लास से पहले मुझे ये ख़त्म करना ही है।
इफ यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसे एक पुश चाहिए होता है टू कंप्लीट द टारगेट, राइट, तो वैसे केसेस में आप वीक में एक स्वयं क्लास ले सकते हो टीचर के साथ, ताकि टीचर आपका वो प्रोग्रेस को ट्रैक भी करता रहे, टीचर के साथ आप वन ऑन वन जो भी आपके डाउट्स रहे हों उस वीक के वो आप पूछ भी सको, राइट। तो बेसिकली बच्चों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो साल है ना बड़ा क्रूशियल है। अगर आप कोई कोचिंग में जाते हो ग्रेट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको अगर हमें समराइज करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास 12 के एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, तैयारी शुरू कर दो, 12th की तैयारी शुरू कर दो एट द मैक्स बाय 10th ऑफ अप्रैल। 10th अप्रैल से ज़्यादा डिले आप नहीं कर सकते हो। नंबर टू, हर चैप्टर को ख़त्म करो, वीक में दो चैप्टर ख़त्म करने का टारगेट लेके चलो। कभी दो ख़त्म होगा, कभी एक ख़त्म होगा, बट स्टिल यू विल बी ऑन ट्रैक। हर एक चैप्टर को दो लेवल्स पे ख़त्म करो, बेसिक लेवल यानी कि बोर्ड लेवल की तैयारी, एडवांस्ड लेवल यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। नंबर फोर, संडेज को यूटिलाइज करो टू रिवाइज वन चैप्टर ऑफ क्लास 11th। नंबर फाइव, स्टे अहेड ऑफ स्कूल, स्कूल में वो चैप्टर पढ़ाने से पहले ही इरेस्पेक्टिव ऑफ स्कूल आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाते जाओ, ताकि जब स्कूल में वो चैप्टर्स पढ़ाए जाए तो वो आपके लिए एक अमेजिंग वे टू रिवाइज हो जाए। एंड लास्ट नंबर सिक्स, विच इज़ डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, प्रायोरिटाइज सेल्फ स्टडी, क्योंकि चाहे आप कहाँ पर भी कितने भी बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में क्यों ना पढ़ रहे हो, आपका जो सक्सेस है, आपका जो रिजल्ट है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके सेल्फ स्टडी पे। इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि पूरे दिन के अंदर आपके पास कुछ नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 hours तो डेफिनेटली होने चाहिए, जब आप फोकस्ड तरीके से सेल्फ स्टडी कर सको, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना इतना सारा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में एक्यूमुलेट करते रहना मे नॉट हेल्प। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिख के बताओ कि क्या आपको सच में लगा, सच सच बताना कि क्या आपको सच में लगा कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू प्लान अ स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट योर क्लास 12th। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में अपने थॉट्स लिख करके बताओ, और साथ ही साथ जितने बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे राइट फ्रॉम टुडे, वो सब भी मुझे कॉमेंट में लिख कर बताओ कि आई कैन आई विल। और मैं हमेशा की तरह जल्दी ही मिलूंगी आपको मेरे वन शॉट वीडियोस के साथ, जो कि बहुत ही जल्द आने वाले हैं हमारे इसी चैनल पे आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारी मुलाकात तो होती ही रहेगी, और बाकी आप मज़े में रहो, मज़े में तैयारी करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से रहो, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।